विश लिस्ट कैसे बनाना पड़ता है देन एप्लीकेशन पर। तो देखो दोस्तों, विश लिस्ट का जो फीचर है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक ट्रेडर के लिए भी कहा जाए, एंड दोस्तों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि विश लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो देखो दोस्तों, पहला चीज़ है, अगर मान लो आपके पास, यानी आपको ऐसा पता है कि 10 कंपनी का शेयर्स जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, बट आप चाहते हो कि बहुत ही सस्ते से सस्ते प्राइस में उन्हीं शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, 10 शेयर्स को आपने उस लिस्ट में डाल के रख दो, एंड रेगुलरली आप चेक करो उस लिस्ट में जाके कि आपने 10 शेयर में से कौन से शेयर्स है जो डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर वैसे नहीं करोगे, उस लिस्ट में डाल कर नहीं रखोगे, तो आपको वन बाई वन सर्च करना होगा, देन आपको चेक करना होगा, ठीक है, एंड वहाँ पर सीक्वेंस वाइज आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेडर के लिए भी फायदेमंद है, एंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों एक इन्वेस्टर के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लॉगिन कर लिया है देन एप्लीकेशन में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखो, यहाँ पर विश लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखा जाए तो विश लिस्ट का दोस्तों ये ऑप्शन आता है, ठीक है। तो विश लिस्ट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने दोस्तों 17 कंपनी को ऐड करके रखा है विश लिस्ट में, जैसे कि ONGC का, बंधन बैंक का, BPCL का, ठीक है, सन फार्मास्यूटिकल का, एंड और भी देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने डॉक्टर लाल, यानी देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर लाल मतलब का मैंने ऐड नहीं किया है, डॉक्टर रेडिस लैब है, ब्रिटानिया है, टाइटन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो जो शेयर ना ऊपर जा रहा है तो उसका दोस्तों भाव ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है, और जो शेयर दोस्तों नीचे जा रहा है तो वो रेड वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ कि कौन सा शेयर है जो डिस्काउंट में मिल रहा है, एंड कौन सा शेयर है जो महंगा प्राइस में, जो डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी मैं उसको खरीद लूँगा, नेक्स्ट मंथ अगर मेरा सैलरी आ जाए तो मैं जो डिस्काउंट में दूसरा मिल रहा है उसको खरीद लूँगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा सस्ते में शेयर्स होल्ड कर लेगा, ठीक है ना। तो अब है कि हम उस लिस्ट बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके भी यहाँ पर उस लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पर है, ठीक है ना। देन दोस्तों यहाँ पर देखो, दूसरा जो है ना और एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो इसमें करना होगा हमें क्लिक, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड न्यू विश लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, एंड एड न्यू विश लिस्ट में क्या है कि आप मैक्सिमम 20 शेयर्स ही रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो कि 20 शेयर्स हो, या तो 20 स्टॉक का, यानी स्टॉक डाल सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी रख सकते हो, ठीक है। तो विश लिस्ट में हाईएस्ट आप 20 ही डाल के रख सकते हो। नेक्स्ट है कि दोस्तों नेम, ठीक है, तब सेक्टर वाइज भी डाल के रख सकते हो विश लिस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी सेक्टर का स्टॉक का वीडियो देखना है, या तो आपका कोई भी सेक्टर का जैसे कि स्टॉक को एनालिसिस करना है, तो आप आसानी से यहाँ से ही कर सकते हो, आपको ऐसे कहीं दूसरे जगह पर जाने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ विश लिस्ट, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि अभी हमें IT सेक्टर का दोस्तों सारा विश लिस्ट में डाल के रखना है, तो IT दोस्तों यहाँ पर मैंने रख लिया सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर IT यहाँ पर मैंने डाल दिया, एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरा IT का एक विश लिस्ट बन गया है, ठीक है। एंड अभी क्या करना है मेरे को दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा तो विश लिस्ट बन गया है, उसके बाद मेरे को होम पेज पर जाना है, देन जैसे कि मेरे को दोस्तों टेक महिंद्रा का शेयर्स को दोस्तों सर्च करना है, ठीक है। तो टेक महिंद्रा का शेयर्स यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो टेक महिंद्रा का शेयर आ गया है, तो उसके ऊपर करना है मेरे को क्लिक। तो उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है कि विश लिस्ट का, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर विश लिस्ट का ऑप्शन है, तो विश लिस्ट में मैंने किया क्लिक। तो जैसे ही क्लिक किया तो मेरा विश लिस्ट यहाँ पर बहुत सारा आ गया है। तो कौन से विश लिस्ट में यानी कौन से होल्डर पर आपको रखना है, तो मेरे को आईटी सेक्टर में रखना है। तो उसका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लस का एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो इसमें करना होगा मेरे को क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पर मेरा जो है ना वो शेयर जो है ऐड हो गया है। तो वन बाई वन में जैसे कि विप्रो का, एसीएल का मैं डाल कर रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा विश लिस्ट पर जाके देख सकते हो यहाँ पर कि आईटी में मेरा दोस्तों टेक महिंद्रा का जो शेयर है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो आई होप आपने जान लिया कि विश लिस्ट को कैसे क्रिएट करना पड़ता है होल्डर, एंड विश लिस्ट में कैसे यानी अपने पसंदीदा शेयर्स को ऐड करके रखना पड़ता है। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है देन एप्लीकेशन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।